नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज मेरी सवारी है फॉक्सवैगन की नई सेडान वर्टस। क्या डिजाइन फॉक्सवैगन इसमें ऑफर कर रही है, किस तरह का इंटीरियर है, क्या फीचर्स इस नई सेडान में फॉक्सवैगन ने दिए हैं और इसमें जो इंजन दिया गया है 1 लीटर और 1.5 लीटर दोनों इंजन को मैं चलाऊंगा, परफॉर्मेंस दोनों कैसा है, इन सभी पर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धासु और 3 नॉट सुधासु एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस फॉक्सवैगन की वर्टस के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। फ्रेश फील जरूर इसके डिजाइन में देखने को मिलता है। इंटीरियर में कई जगह क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज फॉक्सवैगन ने किया है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव काफी अच्छा पैकेज है। शुरुआत करते हैं इस फॉक्सवैगन की वर्टस के एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सटीरियर लुक्स में क्या क्या ऑफर फॉक्सवैगन इसमें कर रही है। फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको टिपिकल फॉक्सवैगन वाला डिजाइन इसकी ग्रिल में देखने को मिलेगा। क्रोम का एलिमेंट है यहाँ पर, ऊपर नीचे दिया गया है, बड़ा सा फॉक्सवैगन का लोगो है बीच में एंड यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स हैं, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ दिए गए हैं और DRL यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स में इधर दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश इसके बम्पर में नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। फॉग लैम्प्स की जो हाउसिंग है वो काफ़ी बड़ी है एंड इधर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पर LED नहीं दिया गया है। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर जो व्हील्स दिए गए हैं 16 इंच के हैं एंड ये जो व्हील्स हैं आई थिंक अगर 17 इंच के होते थोड़े और बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल इस गाड़ी को बनाते। ये भी आप बताइए हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर कि इसमें ये व्हील्स ठीक लग रहे हैं या फिर 1 इंच बड़े व्हील्स होने चाहिए थे। एक जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी देखने में कहूँगा क्यूट सी लगी, यहाँ पर ये जो इसका एयर फिल करने का कैप है, यहाँ पर फॉक्सवैगन का लोगो दिया गया है। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट अटेंशन टू डिटेल वाला मामला इस गाड़ी में कुछ जगह देखने को मिलने वाला है। साइड पैनल में यहाँ पर क्रोम का एलिमेंट है डोर्स में एंड क्रोम का एलिमेंट इसके हैंडल बार में इस्तेमाल करा गया है। पीछे की तरफ आएँ तो वो लाइन जो फ्रंट से आ रही थी वो पीछे की तरफ इसके रियर प्रोफाइल तक जाती हैं एंड टेल लाइट्स जो हैं वो भी इसमें LED देखने को मिलती हैं एंड DSi की बैजिंग है। 1 लीटर TSI इंजन है इस डायनामिक लाइन में एंड वर्टस की बैजिंग यहाँ सेंटर में दी गई है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें 3 सेंसर्स दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अगर कुछ शब्दों में कहूँ तो फॉक्सवैगन बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन नहीं गई है, लेकिन डिज़ाइन फिर भी देखने में इसका काफ़ी अच्छा और डिस्टिंक्ट ज़रूर लग रहा है। 521 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें दिया गया है, हमारा एक सामान अभी रखा है। तो जो सेम स्पेस स्लाविया में देखने को मिलता है वही सेम बूट स्पेस इस फॉक्सवैगन की वर्टस में भी दिया गया है। तो ये कुछ बात हो गई इसके एक्सटीरियर और बूट स्पेस को लेकर। अब चलते हैं अंदर, क्या फीचर्स दिए गए हैं, अंदर स्पेस कैसा है, किस तरह की इंटीरियर क्वालिटी है उसको जानते हैं। बात करते हैं अब इस फॉक्सवैगन की वर्टस के इंटीरियर को लेकर। सेंटर कंसोल की बात करें तो 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर इसके साथ यहां पे दिया गया है। इसके अलावा नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, रेडियो FM एंड सेटिंग्स में जाएंगे देन स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है, वैले मोड जो फॉक्सवैगन की गाड़ियों में या स्कोडा की गाड़ियों में देखने को मिलता है तो यहाँ पर दिया गया है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर ये टच इधर देखने को मिलता है। ओवरऑल इसको हम पहले भी देख चुके हैं टाइगन में तो वैसा ही ये लेआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का, 10 इंच का है एंड ये यूज़ करने के दौरान काफ़ी रिस्पॉन्सिव और इंट्यूटिव ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगता है। देन डैशबोर्ड की फील की बात करें तो थोड़ा प्रीमियम टच देने के लिए यहाँ पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है एंड ये सिल्वर इंसर्ट्स इसके डैशबोर्ड में थ्रू आउट यहाँ पर दिए गए हैं। क्वालिटी में थोड़ी कमी महसूस होगी वो है इसके हार्ड प्लास्टिक को देखकर जो हर जगह देखने को मिल रहा है, इसके डोर्स में, डैशबोर्ड में, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थोड़ा क्वालिटी को लेकर मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर फॉक्सवैगन ने किया है एंड ये भी जो AC के वेंट्स है यहाँ पर भी थोड़ा वो प्लास्टिकी फील आता है। प्रीमियम फील यहाँ ऊपर देख के आता है लेकिन नीचे जाए तो थोड़ा वो प्लास्टिकी वो क्वालिटी में कमी महसूस होगी। नीचे आए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के टच बटन्स हैं, ये भी वही सेम सिस्टम है जो हमने पहले टाइगन में
कुशाक में या फिर स्लाविया में देखा है तो यहाँ पर वो दिया गया है। एंड ये जो गियरबॉक्स है ये 6 फीट टॉर्क कन्वर्टर इस 1 लीटर TSI इंजन के साथ आता है। इसके साथ मैनुअल का भी ऑप्शन है लेकिन 1.5 में जो है वो 7 फीट DSG का ऑप्शन देखने को मिलता है। बटन्स ऑटो ऑन ऑफ के हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन है एंड वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। राइट साइड में ही दोनों बटन्स दिए गए हैं। 2 कप होल्डर्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर आएँ स्टीयरिंग पर तो लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा। राइट साइड में आएँ तो इंफ्लुएंस सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स राइट साइड में यहाँ पर दिए गए हैं एंड इसके व्यू को भी यहाँ से चेंज करा जा सकता है। 3 तरह के व्यू हैं, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर व्यू है एंड ओवरऑल एवरेज एंड इसमें क्या प्ले हो रहा है वो भी सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग की क्वालिटी जो है वो मुझे अच्छी लगी है। प्रीमियम फील यहाँ पर इसको होल्ड करने के बाद जरूर आती है, इसको देखने के बाद भी फॉक्सवैगन का लोगो बीच में है एंड सीट्स का जो अभी होल्ड है वो मेरे को अच्छा लग रहा है। चलाने के दौरान कैसा है जल्द बात करेंगे उसकी। एंड यस, ये सनरूफ यहाँ पर इस वोल्टस में दी गई, पैनोरामिक नहीं है बट स्टिल सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ फील है इस फॉक्सवैगन की वोल्टस की। फ्रंट रो की चलते हैं पिछली कतार में, स्पेस कैसा है वहाँ पर एक बार देखते हैं। वर्टस की पिछली कतार में बैठा हूँ, क्या मामला है यहाँ पे बात करते हैं। सीट्स कंफर्टेबल लग रही हैं, थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम अच्छा खासा है, लेग थोड़ा स्ट्रेच करके बैठना पड़ेगा तब थाई सपोर्ट बेटर होगा, अदरवाइज हेडरूम भी ठीक ठाक मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी है। इसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर बीच में, रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, USB-C 2 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब है इस फॉक्सवैगन की वर्टस की। रियर सीट का स्पेस सॉर्टेड लग रहा है, अच्छा खासा स्पेस है, सीट्स कंफर्टेबल लग रही हैं। अब शुरुआत में जिन मिसिंग एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा था जो मुझे लगता है इस फॉक्सवैगन की वर्टस में फॉक्सवैगन दे सकती थी, जिसमें से पहला है मुझे लगता है फ्रंट ड्राइवर सीट में पावर्ड सीट का ऑप्शन एटलीस्ट टॉप मॉडल में होना चाहिए था, जो कि इसमें देखने को नहीं मिलता है। और जो इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है वहाँ पर अडैप्टिव गाइडलाइंस वाला ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है, वो भी इसमें दिया जा सकता था। देन तीसरा जो मिसिंग एलिमेंट मुझे लगता है इसका जो टॉप एलिमेंट है वहाँ पर इसमें चारों में डिस्क ब्रेक टायर्स में फॉक्सवैगन इस वर्टस में दे सकती थी, अभी फिलहाल सिर्फ डिस्क ब्रेक फ्रंट टायर्स में देखने को मिलती है। सो ये कुछ मिसिंग एलिमेंट्स मुझे लगते हैं इस फॉक्सवैगन की वर्टस के बारे में। अब बारी है इसमें जो 1 लीटर TSI इंजन दिया गया है परफॉर्मेंस कैसा है और 1.5 लीटर TSI इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, इन दोनों को परखेंगे और जांचेंगे, बताएंगे आपको इनका परफॉर्मेंस चलाने के बाद मुझे कैसा लगा। फॉक्सवैगन की इस वोटर्स के इंजन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1 लीटर TSI इंजन जो है वो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है और 113 BHP की पावर जनरेट करता है और पीक टॉर्क इससे मिलता है 178 Nm का। वर्टस के 1.5 लीटर TSI इंजन की बात करें तो वो सिर्फ 7 स्पीड DSG के साथ ही अवेलेबल होगा। पावर इससे जनरेट होता है 148 BHP और टॉर्क मिलता है 250 Nm का। सो दोनों ही 1 लीटर TSI, 1.5 TSI को चलाने का मुझे मौका मिला। ज़्यादा देर मैंने 1 लीटर इंजन को टेस्ट किया, 1.5 को भी थोड़ी देर चलाने का मुझे मौका मिला। तो पहले बात 1 लीटर TSI इंजन की परफॉर्मेंस करती है तो शुरुआत में पिकअप आपको इंस्टेंटेनियसली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है, पावर डिलीवरी है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लीनियर है। हाईवेज पर स्पेशली ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस गाड़ी को 120, 130, 140 के आसपास तक भी ले गया। इतनी रफ्तार में भी इस इंजन पर किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहे सिटी या हाईवे की बात हो वहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अब आते हैं सस्पेंशन और कंफर्ट वाले फैक्टर पर, किस तरह कंफर्ट वर्टस में देखने को मिलता है। तो कंफर्ट के मामले में भी ये गाड़ी मुझे सॉर्टेड लग रही है। इसको मैंने सिटी और हाईवे में तकरीबन 4 से 5 घंटे के आसपास चलाया तो कुछ जगह खराब रास्ते भी थे, सडन स्पीड ब्रेकर्स भी आए और हाईवे पर भी काफ़ी देर क्रूज करने को मिला, तो कंफर्ट को लेकर कोई भी दिक्कत इस फॉक्सवैगन की वर्टस में मुझे महसूस नहीं हुई। सस्पेंशन परफेक्टली काम करता है और सीट भी
अच्छा होल्ड देती हैं। जब शार्प टर्न सिटी में कभी ले रहे होते हैं तो वहां पर भी सीट्स का होल्ड और कंफर्ट अच्छा इस वर्टस में देखने को मिलता है। ब्रेकिंग की बात करें तो डिस्क ब्रेक जो है वो सिर्फ फ्रंट में दी गई है। अब एक चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जहां पर ब्रेकिंग को लेकर थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता, जिस तरह का परफॉर्मेंस इस इंजन से देखने को मिल रहा है या फिर 1.5 में भी जो परफॉर्मेंस मिलता है, तो ब्रेकिंग मुझे लगता है एटलीस्ट 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन टॉप वेरिएंट में फॉक्सवैगन को इस वर्टस में देना चाहिए था। ड्राइव और हैंडलिंग की बात करें तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है स्टीयरिंग। सडन टर्न्स लेने पड़ते हैं तो वहां पर भी रिस्पॉन्स स्टीयरिंग का अच्छा देखने को मिलता है। तो हैंडलिंग को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, स्पेशली तेज रफ्तार में जब इस गाड़ी को हाईवे पर मैं क्रूज कर रहा था तो वहां पर मुझे लगता है बेटर हैंडलिंग की इस गाड़ी में गुंजाइश अभी भी है। अब एक पॉइंट जिसको लेकर मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस 1.5 TSI इंजन को लेकर, वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर। शुरुआत से ही ये अच्छी टॉर्क डिलीवरी देता है ये इंजन, और पावर डिलीवरी भी इसका थ्रू आउट अच्छा देखने को मिलता है। तो टॉप स्पीड जो है वो फॉक्सवैगन इसकी 190 क्लेम कर रहा है, 140-150 के आसपास तक मैं इसको ले जा पाया। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक, सब सिमिलर है 1 लीटर के साथ ही की गाड़ी में, और कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ इंजन परफॉर्मेंस दोनों का अलग अलग है। 7-speed DSG के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, गियर्स में कोई लैग महसूस नहीं होता, क्विक शिफ्टिंग है, स्पोर्ट मोड भी इसमें दिया गया है। तो वहाँ पर स्पोर्ट मोड में जब मैं शिफ्ट कर रहा था एंड पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल जब कर रहा था तो वहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ा बेटर होता हुआ ज़रूर दिखाई दिया था। अब बात करते हैं 3 धासु और 3 नॉर्थ धासु एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस फॉक्सवैगन की वर्टस के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉर्थ धासु एलिमेंट, जिसमें से पहला है इसमें इंटीरियर में कई जगह क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज फॉक्सवैगन ने किया है, जहां पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। दूसरा नॉर्थ धासु एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, USB-C के 4 पोर्ट के ऑप्शन हैं, USB-A का कोई भी पोर्ट नहीं दिया गया। अंडरस्टैंड कि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सभी लोग हैं, मैं भी USB-C वाले पोर्ट यूज़ नहीं करता एंड वायरलेस चार्जिंग मेरे फ़ोन में नहीं है। सो वन थिंग मुझे लगता है एक पोर्ट वो होना चाहिए था। दिन तीसरा नॉर्थ धासु एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में, वो है इसके AC कंट्रोल का जो पैनल है, टच है, अच्छा लगता है फील में, लुक में, बट प्रैक्टिकल मुझे वो नहीं लगता। स्पेशली ड्राइव के दौरान वो नॉब वाला सिस्टम ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है। अब 3 धासु एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस वर्टस के बारे में उसकी बात करते हैं। तो इसमें से पहला है इसका डिज़ाइन, ओवरऑल जो डिज़ाइन है एक्सटीरियर का, वहाँ पर फ्रेश फील ज़रूर इसके डिज़ाइन में देखने को मिलता है। एंड दूसरा धासु एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, वो है इसका परफॉर्मेंस फैक्टर। 1 लीटर का भी सिटी हाईवे पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 1.5 तो और बेहतर परफॉर्म करता है, स्पेशली ऑन दी हाईवेज। देन तीसरा और फाइनल धासु एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, वो है इसका कंफर्ट फैक्टर। स्पेशली सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सॉर्टेड, चाहे मैं तेज रफ्तार में था, धीमी रफ्तार में था, काफ़ी सॉर्टेड इसका सस्पेंशन मुझे फील हुआ। तो कुछ जगहों पर मुझे लगता है जहां पर वर्टस में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करी जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो, मुझे लगता है ये फॉक्सवैगन की वर्टस एक काफ़ी अच्छा पैकेज है सेडान सेगमेंट में। तो अगर आप सेडान लवर हैं, अच्छे फीचर्स गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हैं, एक डिसेंट डिज़ाइन उस गाड़ी में आप देखना चाहते हैं और परफॉर्मेंस को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो फॉक्सवैगन की ये वर्टस मुझे लगता है एक अच्छा पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है।